focus. Ideate. Innovate. Enable. एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट मित्रा में आप सभी का स्वागत है। सीएनबीसी आवाज और एक्सिस डायरेक्ट का ये जो इनिशिएटिव है, इसमें हमारी कोशिश, जैसे कि इसका नाम है इन्वेस्टमेंट मित्र, तो इन्वेस्टमेंट मित्र हम क्यों कहते हैं, क्योंकि बाजार में आपको एक दोस्त की जरूरत हमेशा पड़ती है। तो हम सीखते हैं दिग्गजों से, जाने माने एक्सपर्ट से, और हमारे साथ ऐसे ही आज भी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि बाजार में बदलाव के साथ, दिन पर दिन उतार चढ़ाव के साथ, अनिश्चितताओं के बीच आप कैसे जिए और कैसे अपने मुनाफे को लगातार बढ़ाएं। तो आइए शुरू करते हैं इस चर्चा को। और आज सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा अरुण ठुकराल जी को, एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ। वो आपको बताएंगे कि इस तरह के बाजार में कैसे दोस्त की आपको जरूरत है, दरअसल आप किसको फॉलो करें, किससे सलाह लें। सबसे पहले मैं थोड़ी सी एक्सिस डायरेक्ट के बारे में बात करूंगा। एक्सिस डायरेक्ट जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो हमने 2011 में शुरू किया था, आज हमारे पास 2 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर हो गए हैं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से आपको न केवल इक्विटी बल्कि बाकी चीजें, अगर आपको एनसीडी लेना है, अगर आपको टैक्स फ्री बॉन्ड लेना है, अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या कोई कंपनी एफडी में करना है, और अभी रिसेंटली हमने कमोडिटीज भी शुरू कर दिया है, और सीमलेस एक्सपीरियंस है। इसके अलावा हमारे पास कई नई चीजें आई हैं, जैसे हमारे पास एक व्हाट्सएप बॉट है, अगर आप उसमें सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में रोज क्या हो रहा है आपको पता लगता रहता है। मार्केट तो पता लगेगा ही, बल्कि आपका कोई शेयर बढ़ गया या नीचे आ गया या उसका रिजल्ट आ गया, तो वो सब चीजें भी आपको पर्सनलाइज मैसेज आते हैं। रिसर्च, तो हमारे जो आइडियाज हैं पिछले कुछ सालों से, अगर आप हमको फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे काफी अच्छे आइडियाज हैं जो 9 से 12 महीना जो हम टाइम देते हैं उससे पहले हिट करते हैं, तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड है और काफी अच्छा है। लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, अभी इंडियन इक्विटी मार्केट में क्या हो रहा है और हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे हमारी जो साइकी है इंडियंस की, वो इस एसेट क्लास को उस नजरे से नहीं देखती। कहीं ना कहीं कुछ डर है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, उनके चित्त में ये बात आती नहीं कि नहीं ये भी एक अच्छी एसेट क्लास है। तो मैं अभी योगा के तरीके से समझाता हूँ। नॉर्मली 5 तरह के माइंड जो है योग सूत्र में कहे जाते हैं। पहला माइंड हम बोलते हैं शिफ्ट माइंड, द वॉन्डरिंग वन, जिसको हम बोलते हैं कि वो मंकी माइंड है, ये सबसे लोअर माइंड माना जाता है। इस माइंड में अगर आप हैं तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, इवन आप ट्रेडर भी अच्छे नहीं बन सकते, बिकॉज आप कभी भी कुछ भी करेंगे आपको ना स्टॉप लॉस लगाना आएगा ना समझ आएगा। इसके बाद जो थोड़ा उसके ऊपर चलता है उसको बोलते हैं पूर्ण माइंड। पूर्ण माइंड जो है वो मंकी माइंड नहीं होता है, मतलब वो बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त नहीं रहता है, बट वो लेजी होता है। दोनों माइंड जो नीचे के हैं, शिफ्ट माइंड और मूड माइंड, ये एक्चुअली खराब माइंड है। अगर आप इस स्थिति में हैं, ये आपको पहचानना है कि क्या आपके अंदर ये प्रवृत्ति है। अगर आप ये दोनों लेवल पर हैं तो आपको ये सोचना है कि आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है यहां से। तीसरा जो है विक्षिप्त बोलते हैं हम उसको, जो ओकेशनली स्टेडी होता है। हम में से काफी लोग इसमें होते हैं, मतलब कभी कभी किसी किसी दिन तो बहुत फोकस आ जाएगा, अब सारे कागज निकाल के बैठेंगे, सारी एसेट देखेंगे, सारी लिस्टें बनाएंगे, बोलेंगे अब मैं ये करूंगा ये करूंगा, 4 लोगों से जाके मिलेंगे, फिर थोड़े दिन के बाद कोई बोलेगा कि ये ले लो, तो आप फटाफट जाके उल्टा सीधा कर देंगे, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ज्यादातर लोग हम इस लेवल पे होते हैं। उसके ऊपर फिर आता है एकाग्र माइंड, जहां पे आप ज्यादातर कंसंट्रेटेड रहते हैं ज्यादातर, और जो एंड में आता है तो हम बोलते हैं निरुद्ध चित, वो बेस्ट पोजीशन है। वहां पे वही लोग पहुंचते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये बेस्ट इन्वेस्टर हुए। तो मैं कुछ ऐसे इन्वेस्टर के बारे में बात भी करूंगा, आप सब उनको जानते भी हैं। तो योग सूत्र में ये कहा जाता है कि ये वो स्टेट है जहां पे, अगर मैं ये पढ़ूं तो संस्कृत का है, तदा सर्व आवरणम मलोपत्स्य ज्ञानस्य अनंत्य ने मलपम। ये वो जगह है, ये वो स्टेट है जहां पे आपको सब पता है, आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं, आपको पता है इक्विटी एक एसेट क्लास है, एसेट एलोकेशन आपको पता है, फाइनेंशियल प्लानिंग आपको पता है, सेक्टर्स आपको पता है। तो मत आप ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं
जहां से आप मुनाफा ही करेंगे, फिर उतार चढ़ाव जो आएंगे आप उसका फायदा उठाएंगे, आप उसको वेलकम करेंगे। तो उस लेवल पे वो हाईएस्ट लेवल है, तो वो कौन कौन लोग वहां पहुंचे हैं और वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं, ये आपको काफी प्रैक्टिस के बाद ही आएगा। कुछ ऐसे इन्वेस्टर हुए हैं जिनके नाम आपको पता है, तो थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं, आपने भी शायद पढ़ा होगा कि वो क्या ऐसा करते थे, क्या हम उनके कहीं आसपास भी हैं। तो वॉरेन बफेट को आप सब जानते हैं, आपने बहुत नाम सुना है। उन्होंने $6,000 से शुरू किया और उनके पास आज $85 बिलियन है। तो क्या ऐसा किया उन्होंने, तो उनकी जो एक फिलॉसफी है वो यहां लिखी है। बट मोर इम्पोर्टेंटली उन्होंने ब्रांड के ऊपर काफी ध्यान दिया, मतलब जो इंग्लिश वर्ड है इकोनॉमिक मोट, मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी में कुछ ऐसा है, वो ब्रांड ऐसा है जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आप बोलते हैं नेस कैफे तो आपको लगता है हाँ नेस्ले, जैसे आप बोलते हैं फेविकोल तो आपको समझ में आता है पिडिलाई, आप बोलते हैं गुड डे आपको समझ में आता है ब्रिटानिया। तो ये इतना ज्यादा आपका ब्रांड आपके दिल में आ गया है और आप उसको यूज करते हैं, आप उसको देखते हैं। तो ये इन्होंने वो किया, तो इन्होंने इन्वेस्ट किया कोका कोला में, काफी सारी कंपनीज में इन्होंने किया। मैं इंडियन एग्जांपल आपको दे रहा था, तो यहां पे मैं ये कहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि अभी जाके आप इनको खरीदिए, ये अच्छी कंपनी है, बट क्या प्राइस पे क्या उसको, वो आप अपना पूरा ड्यू डिलीजेंस करके करिए, मैं एग्जांपल की तरह आपको दे रहा हूं, बट ये सब अच्छी कंपनीज तो है ही ऑब्वियसली। फिर बेंजामिन ग्राहम, जिनको कि वॉरेन बफेट भी अपना गुरु मानते हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अगर आप पढ़ सके तो कभी पढ़िए। और वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि मेरी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक किताब है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और ये गुरु माने जाते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। इन्होंने सिखाया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इनका जो रिकॉर्ड था इन्होंने 1934 से 1956 तक 17% का रिटर्न लिया और जो इनके पोर्टफोलियो था वो 31 टाइम्स बढ़ा, तो इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये किताब में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया भी है कि साइकिल कैसे आते हैं और कैसे आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, मार्केट की वॉलेटिलिटी से कैसा फायदा उठाना है। मिस्टर मार्केट करके उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट बताया कि मार्केट आपके पास रोज आएगा, रोज बोलेगा ये ले लो ये बेच दो, आपको सिर्फ देखना है। अगर आपको लग रहा है मार्केट बहुत अच्छा पैसा दे रहा है आपके स्टॉक का तो आप उसको दे दो, अगर मार्केट आपको बहुत सस्ते में कुछ दे रहा है तो आप ले लो, अदरवाइज आप सिर्फ देखते रहो मार्केट। ये यहां से शुरू हुआ, इनकी बुक अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। तो ये सब गुरु हुए हैं, ये सब निरुद्ध चित्त में थे। आगे हम पैनल में बात करेंगे, आपके सवाल जवाब लेंगे, अभी के लिए शुक्रिया, थैंक यू। इंडिया अब जो सिचुएशन में वो सिमिलर टू व्हाट यूएस 80s के टाइम पे था, हमें लगता है कि 2025 में इंडिया का इकोनॉमी $5 ट्रिलियन का हो जाएगा। जो सेक्टर्स पहले बड़े थे लाइक ऑटोमोबाइल्स, टेलीकॉम, प्राइवेट सेक्टर्स एंड रियल एस्टेट, आगे चलकर हमें लगता है कि इंश्योरेंस कंपनीज, एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज, मॉडर्न ट्रेड, QSR, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऐसे सेक्टर होंगे जो आपको अच्छे रिटर्न दे पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब हम कहते हैं कि हमारा इकोनॉमी 2.5 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन का हो जाएगा, तो दैट मीन इकोनॉमी ऑफ स्केल आ जाए, इकोनॉमी और स्केल आ जाता है, और स्केल को मैनेज करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हर कंपनी स्केल मैनेज नहीं कर पाता है, आफ्टर पर्टिकुलर साइज देर नॉट एबल टू मैनेज एट स्केल। थैंक यू वेरी मच। काफी हमको क्वेश्चन आते हैं सुबह हमारे प्रोग्राम में कि मैंने 400 में खरीदा, अब 200 होगा, अब क्या करें। अगर जब 400 में खरीदा तो सोचा था कि 500 जाएगा, लेकिन 500 नहीं गया, 350 आ गया, तब निकले नहीं। इसलिए क्यों निकले नहीं, क्योंकि लॉस एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर लॉस एक्सेप्टेबल होता सिर्फ ₹50 का नुकसान होता, लॉस एक्सेप्टेबल नहीं है इसलिए 300 में आ गया। लेकिन अब ₹100 लॉस एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर 250 आ गया, अब 150 लॉस एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर आखिर तंग आके 200 में बेच देता है, क्योंकि लॉस हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, तकलीफ वहां आती है। मैंने 20 साल में देखा है, हमको पता है कि मार्केट क्या होगा, ऐसा कुछ 100% नहीं है, मुझे पता है कि ये सेटअप चलना चाहिए, ऊपर जाएगा, गारंटी से मैं वो नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन एक ट्रेड पर हमारा पूरा ध्यान फोकस नहीं चाहिए, फोकस ऑन 20-30 ट्रेड हो। हाँ, 20 ट्रेड में कोई 17-18 ट्रेड राइट जाएंगे, लेकिन 2-3 तो गलत जाएंगे। स्टॉप तो हम इसलिए लगाते कि शायद नहीं चले, तो सेटअप तो सही है, अगर नहीं चले तो कहां पर ऐसी जगह पर है जहां मुझे लगता है कि मैं गलत हूं।
अगर वो पॉइंट आपने निकाल लिया ये जगह पे मैं गलत हूं तो आप निकल जाओ। आप देख रहे हैं एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट मित्रा सीजन 3 और आज हम गुरुग्राम में हैं यहाँ के दर्शकों के साथ और दर्शकों के सवालों के जवाब दें उसके पहले कुछ मेरे सवाल हैं जो मैं अपने पैनल मेंबर से पूछना चाहूंगा। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ अरुण ठुकराल साहब हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के फंड मैनेजर विनोद बंगेरा और मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा .com के प्रकाश गाबा। मेरा सवाल विनोद जी यह है कि मुझे तो उसमें एक गड़बड़ नजर आई। आपने जब अमेरिका की बात की तो आपने कहा जब अमेरिका का जीडीपी 8.5% से बढ़ा तो उनका मार्केट कैप 11.5% करीब 12% से बढ़ा। जब आपने इंडिया का एग्जांपल दिया तो आपने यहां भी 8.5 लिया और वहां भी 8.5 लिया, तो इतना कंजर्वेटिव आप क्यों है? और 8.5% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है हिस्टोरिकली पिछले 20 साल में इतनी कम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ किसी एक या दो साल में ही रही होगी, तो इतनी कम ग्रोथ आप क्यों देख रहे हैं? पहली बात तो हमने परसेंटेज ग्रोथ की नहीं देखी, हमने मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो के हिसाब से काम किया था। हमने देखा है कि ये जो फिगर है जब यूफोरिया होता है तो बियॉन्ड 1 टाइम भी चलता है, 1.2 तक भी जाता है और कभी कभी नीचे आके 0.7 टाइम भी जाता है, बट ऑन एन एवरेज बेसिस इफ यू टेक वो 0.85 टाइम्स का मार्केट कैप टू जीडीपी होता है, इसीलिए हमने उस बेसिस पे कैलकुलेट किया था। वेरस जब आप यूएस की इकोनॉमी के मार्केट कैप टू जीडीपी देखेंगे तो वहां पे वो रेशियो इम्प्रूव हुआ था, इट वॉज नॉट बियॉन्ड 1 टाइम, इट वॉज फार बिलो 1 और वो इम्प्रूव होता है, इसके लिए वो 11.5% का ग्रोथ का फिगर दिखाता। तो ये एक जानने वाली बात है। यहाँ पे एक सवाल मेरा और है आपकी जो पूरी थीम थी उस पर कि कंजम्पशन के ऊपर आपके प्रेजेंटेशन में आपने पूरा फोकस कहा, आपने कहा कि यहां से जीडीपी बढ़ेगा, लोग और ज्यादा खरीदेंगे, जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि अभी तो एक चौथाई या एक तिहाई लोगों के पास फ्रिज है और लोग फ्रिज खरीदेंगे, हर एक कैपिटल गुड्स, हर एक कंज्यूमर गुड्स के बारे में वो बात कही जा सकती है। लेकिन आजकल लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कंजम्पशन की स्टोरी जो है बहुत लगातार चल रही थी, ये शेयर बहुत महंगे हो गए, तो ये कैसे पता लगा है कि हमें कहीं देर तो नहीं लगी ये थीम पकड़ने में? सिर्फ ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसी स्टोरी की बात नहीं है, कोई भी स्टोरी जब चल रही है ये कैसे पता लगे कि ये सही वक्त है, ये सही लेवल भी है, ये सही वैल्यूएशन भी है, क्योंकि जो चीज फैशन में होती है वो महंगी हो जाती है, उसमें बेंचमार्क्स काम नहीं करते। तो कुछ हद तक आप सही कह रहे हैं। आपने जैसे देखा कि एनबीएफसी भी बहुत महंगी हो गई थी, ये जो क्राइसिस हुआ उससे पहले ही एनबीएफसी करेक्ट होनी भी शुरू हो गई थी, फिर तो ये क्राइसिस हुआ जब डीएचएफएल का कहानी आया और जोर से गिरा। ऐसे ही कंजम्पशन भी बहुत बार ये सवाल आता है, बहुत बार, कि कंजम्पशन शेयर क्या बहुत महंगे हो गए हैं, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर मैंने नेस्ले देखा है, मैं तो 1500-1600 से ट्रैक कर रहा हूं, तो अभी 11-12 हजार हो ही गया है, तो कहीं ना कहीं आपको ये मानना है कि आपके पास 130 करोड़ इंडियन है और हो सकता है किसी एक साल ये शेयर महंगे भी लगते हैं तो आपको वो साल में रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन जो बीच बीच में नीचे आता है आपको वो लेते ही जाना है। और अभी जो कंजम्पशन, अभी तो रूरल कंजम्पशन भी हो गया है, अभी 3 साल से मानसून ठीक है, शायद इस बार भी अच्छा हो, अभी एमएसपी बढ़ेगा, अभी ये फॉर्म वेवर भी एक तरह से लोन वेवर, एक तरह से ये गलत कोई बोलता है लेकिन एक तरह से अच्छा भी है, किसान के पास तो पैसा ज्यादा आ रहा है, अर्बन कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, आपका पर कैपिटा इनकम भी 2000 के ऊपर चला गया है, तो ये कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ ही रहे हैं। जो बूम 1980 में यूएस में आया वो क्या यहां नहीं आएगा? पहले तो रोटी कपड़ा और मकान आप देखेंगे, जब 2000 क्रॉस हो गया तो जिस भी कंट्री में $2000 से आपका इनकम क्रॉस हुआ है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 10 गुना बढ़ा है। तो अब आप डिसाइड करिए। तो कई बार ये भी बाजार में कहते हैं ना कि महंगा खरीदोगे तो महंगा बेचोगे। प्रकाश जी आपके पास आएंगे अब हम। आपने बहुत सारी बातें बताई रिस्क मैनेज करने के बारे में जो प्रैक्टिकली बहुत अच्छी है। अब एक ट्रेडर मुझे एक बार मिला, उसने कहा कि आप लोग कहते हो स्टॉप लॉस लगाओ, मैंने एक बार स्टॉप लॉस लगाया, ट्रिगर हो गया, फिर स्टॉक ऊपर चला गया, फिर स्टॉप लॉस लगाया, दूसरे ट्रेड में फिर ट्रिगर हो गया, फिर स्टॉक ऊपर चला गया, तीसरी बार लगाया फिर ट्रिगर हो गया, फिर स्टॉक ऊपर चला गया, अब ऐसे तो कैसे पैसा बनेगा? मैं आपको एक बात अभी कह देता हूं, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और ऊपर चला जाता है, तो गलती स्टॉप लॉस की है क्या? नहीं, गलती एंट्री की है। अगर आपकी एंट्री सही है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। रिपीट, अगर आपकी एंट्री सही है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। तो स्टॉप लॉस तो तय करने की बात अलग है, लेकिन एंट्री सही चाहिए। एग्जिट तो उस एंट्री अगर आपकी सही है, आप जहां चाहे निकल जाओ, प्रॉफिट ही होगा। अगर आप एंट्री सही नहीं है तो प्रॉब्लम एंट्री का है, इसलिए मैंने सेटअप की बात की थी। एंट्री सही ढूंढो,
एंट्री सही के बाद उसको मैनेज करो और एग्जिट निकल जाओ बस। जब सीखने समझने जानने के बाद भी आप कोई नया काम करने जाते हैं फिर भी आपको और ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग भी आपको हर रोज सीखना बहुत जरूरी है। चलिए अब आप लोगों की बारी है सवाल पूछने की। बहुत सारे हाथ एक साथ उठ रहे हैं, उम्र का लिहाज करते हुए मैं आपको मौका देता हूं। मेरा सवाल है कि अगर एक 30s में 30 साल प्लस के इन्वेस्टर्स को 3 करोड़ प्लस का म्यूचुअल फंड लेना हो तो कितनी स्कीम हो मैक्सिमम, और क्या एक ही एएमसी की सभी स्कीम ले सकते हैं? क्योंकि जैसे 2018 में देखा कि एक्सिस म्यूचुअल फंड की सभी स्कीम ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, तो क्या एक एएमसी की ले सकते हैं या डिफरेंट एएमसी की स्कीम्स लेनी चाहिए? तो आप कह रहे हैं 30 साल के इंसान के लिए, 30 प्लस, और पैसा जो है लंबे अरसे के लिए जो है रहेगा और उसमें ऐड हो सकता है। करेक्ट। तो बेसिकली सबसे पहला तो हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं कि जो 30 साल का इंसान है उसके पास बहुत टाइम है, तो उसको क्या करना है, उसको ऑब्वियसली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह जाना है। अगर इक्विटी में जाना तो मैं पहले इक्विटी पोर्शन की बात कर रहा हूँ, थोड़ा आपको डेट पोर्शन रखना है। नहीं नहीं बिल्कुल इक्विटी डेट नहीं, तो हम इक्विटी में सिर्फ बात कर रहे हैं। विद इन इक्विटी आपको लार्ज कैप रखना है, मिड कैप रखना है, स्मॉल कैप रखना है। स्मॉल कैप और मिड कैप ऑब्वियसली आपको लंबे समय के बाद अच्छा रिटर्न देते हैं, अगर आप देखें आप पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें, और अगर आपको एक दो साल के पास पैसा निकालना है कुछ काम के लिए तो वो लार्ज कैप में जाएगा, या कहीं ना कहीं अभी मैं लिक्विड फंड नहीं बात कर रहा क्योंकि आप सिर्फ इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाएं 30 साल के इंसान के लिए, और कुछ हिस्सा जो है वो लार्ज कैप में लगाएं। आजकल तो ETF भी आ गए हैं लार्ज कैप के बराबर, वो भी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो वो भी आप अभी एग्जामिन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको रिव्यू करते रहिए। दूसरा आप कह रहे हैं कि एक ही एएमसी में जाएं या सब में जाएं, तो जो भी अच्छी पेडिग्री है, जो भी आपने नाम लिए और भी 4-5 नाम आपको पता ही है, आप उनके फंड मैनेजर्स के बारे में भी काफी कुछ जानते हैं, काफी कुछ लिखा जाता है, लेकिन हिस्टोरिकली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं अच्छे फंड मैनेजर भी गारंटी नहीं है कि आपको हमेशा वही रिटर्न देते रहेंगे। तो आप रिटर्न से ऑब्सेस्ड मत होइए, आपको ये देखना है कि ये कंटिन्यूअसली अगर बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं और वो 1-2% ऊपर भी चलता है तो आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं एएमसी में भी, अदरवाइज फंड मैनेजर भी अलग अलग होते हैं तो उस हिसाब से आप कर लीजिए। और बहुत सारे पोर्टल हैं, आपका मनी कंट्रोल है, वैल्यू रिसर्च है, यहां से भी देख सकते हैं, और आपका कोई अगर फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उसको भी ऑन ए ईयरली बेसिस एटलीस्ट दिखा सकते हैं। नॉर्मली सारे फंड मैनेजर्स ओवर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आपने भी जो भी हमको ग्राफ्स दिखाए उसमें आपने कंपेयर किया यूएस मार्केट के साथ, इस दुनिया में सिर्फ एक इंडियन मार्केट और एक यूएस मार्केट तो है नहीं, और भी बहुत सारी मार्केट्स हैं, आप कभी जापान से कंपेयर करके बताइए, कभी और मार्केट से कंपेयर करके बताए, हर एक जना हमेशा यूएस से बात करता है। जापान के साथ भी करेंगे आगे जाके। हाँ हाँ। तो हमने ये देखा कि जो रोनल्ड रीगन का जो कार्यकाल था वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ काफी तेजी से बढ़े, काफी हद तक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आए थे इकोनॉमी में आईटी के कारण, जिसके कारण इकोनॉमी में ग्रोथ आए, इन्फ्लेशन भी वहां पे उस समय में काफी लो हो गया था, जिस तरह से अगर हम कहते हैं कि ऑयल अगर यही रहेगा 55 to 65 डॉलर के बीच में और इन्फ्लेशन कम रहेगा हमारे लिए तो विच इज गुड फॉर द इकोनॉमी, इसीलिए हमने सोचा कि हम उस दशक को जीडीपी इसी लेवल पे था और नियरली जीडीपी भी इसी लेवल पे था। मार्केट में दो तरह के ट्रेंड होते हैं, बुल ट्रेंड, बियर ट्रेंड। मार्केट 39,000 से 36,000 के आसपास आ चुकी है, तो क्या ये बियर ट्रेंड है और भविष्य में हम बियर ट्रेंड को कैसे पहचानेंगे? बियर ट्रेंड और बुल ट्रेंड टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है, टाइम पर्सपेक्टिव है। लार्जर ट्रेंड बुल में हो शॉर्ट टर्म में बियर ट्रेंड भी हो सकता है, इंटरडे में भी बेयर और बुल बहुत होता है, तो ये टाइम पर्सपेक्टिव डिफाइन करना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से मार्केट अब कंसोलिडेशन में है, जब भी ये ऑल टाइम हाई ब्रेक हो जाएगा 10,000 तो मुझे लगता है बॉटम आउट हो गया, ये ब्रेक नहीं होगा। अब ये 10,000 और 11,000 के बीच में जो हमने हाई देखा है ये एक कंसोलिडेशन है, और ये जितना काफी हद तक कंसोलिडेशन बहुत बड़ा है, जब भी इसमें ब्रेकआउट आएगा तो बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। मुझे लगता है वो शायद इलेक्शन के बाद होगा या इलेक्शन से पहले ही शुरू हो जाएगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए मुझे लगता है ब्रेकआउट होगा।
तो भविष्य में हम बियर ट्रेंड को कैसे पहचानेंगे? कोई तरीका है? और नॉर्मली एक डेटम पॉइंट बोलते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं कि 25% ऊपर से नीचे आ गया तो समझो बेयर ट्रेंड है। लेकिन अब साइकिल अगर लंबे देखें, मंथली चार्ट पर देखें, तो अब तक हम बुल ट्रेंड में ही है, बेयर ट्रेंड तो आया ही नहीं है। हाँ, अगर डेली टाइम पर देखें तो फिर बेयर ट्रेंड में भी आ गया, लेकिन ट्रेंड अब भी पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है, करेक्शंस आते रहेंगे। जो हमने डिप्स देखे वो करेक्शन है, 2008 का भी करेक्शन है अगर हम लार्जर टर्म टाइम फ्रेम देखते हैं। तो कंसोलिडेशन के बाद फिर एक ब्रेकआउट आएगा और वो एक कहेंगे हम कंसोलिडेशन है, ये बेयर ट्रेंड नहीं है। इसके साथ ही अरुण जी, विनोद जी और प्रकाश जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और गुरुग्राम के सारे दर्शकों का जो आज यहां हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।